एनर्जी थोड़ा आज निकालो। सबसे पहले बुलाते हैं अमित भड्रा के लिए जोरदार क्लैप। अमित, दो अल्फाज बताओ, आप कहाँ से हैं, क्या बोलना चाहेंगे, कोई आना चाह रहे हैं यहाँ पर? मेरा नाम अमित भद्रा है, मैं चंद्रपुर सिटी से रहता हूँ, महाराष्ट्र। मैं पूरा फ्रेशर था, यहाँ पे आके मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मिला कि हाँ, मैं काफ़ी अच्छे हद तक मोबाइल रिपेयर अभी कर सकता हूँ। कभी काम नहीं करते थे? नहीं, पूरा फ्रेशर से। अच्छा, अभी क्या क्या कर लेते, थोड़ा बताओ 20 दिन में। अभी 20 दिन में सबसे पहले मैंने रिबॉल करना सीखा, उस पर प्रैक्टिस रोज होती थी, तो रिबॉल पे अच्छा हाथ बैठ गया मेरा, और ट्रेसिंग भी अच्छे से कर रहा हूँ मैं, डायग्राम के मदद से पूरा ट्रेसिंग अभी कर रहा हूँ पूरा। अच्छा, ये बताओ, ब्लैक पेस्टेड कोइंस ऑन फोन दे दे, डर तो नहीं लगता खोलने में? नहीं, अभी नहीं लगता, प्रैक्टिस रोज हो रही थी। हो रही ना? हाँ सर। निकाल के डाल सकते हैं? हाँ सर। डायग्राम रीड करने आ रहा है? डायग्राम रीड करने आ रहा है सर। क्या कहना चाहेंगे आपके ऐसे फ्रेशर बच्चे आना चाहे तो कुछ बोलना चाहेंगे? फ्रेशर को, मेरे जैसे जो फ्रेशर है वो बिंदास आ सकते हैं यहाँ पे, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, रहने खाने का कोई टेंशन नहीं है। क्लास तो चल रहा है, कब से कब तक चल रहा? थोड़ा क्लास चल रहा है हमारा, 27 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 15 तारीख आज की लास्ट डेट। प्रैक्टिकल करने मिला इसमें आपको? जी जी, प्रैक्टिकल। हैंड स्किल बना, हैंड स्किल बना, ठीक है। बाकी आप यहाँ कैसे आए फोन फिक्स? यहाँ पे यूट्यूब से, वो उस दिन सर आए थे जो, उनका वीडियो देख के और आपके, फिर उसके बाद काफ़ी सारे वीडियोस देखा फिर उसके। एक और चीज़ है, आप फ्रेशर थे, अभी जाके काम करना, 2-3 महीने बाद अगर लगे तो 6 महीने के अंदर एक और बार अपडेट हो सकते हैं, है ना? क्योंकि फ्रेशर को एक साथ सारा कुछ नहीं आ जाता उतना भी, कि एक लेवल तक तो आप काम सीख लिए, अगर ज़रूरत लगा तो एक ऑप्शन आपके पास रहता, ठीक है? एक बार इनके लिए क्लैप्स कर दो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। दिनेश भारती के लिए एक बार क्लैप्स। हेलो दिनेश, कहाँ से आप, क्या बोलना चाहेंगे? सर, मैं दिनेश भारती हूँ, छत्तीसगढ़ जगदलपुर से हूँ, और मेरा सफ़र यहाँ बहुत अच्छा गया सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। ट्रेसिंग में दिक्कत था, ट्रेसिंग सीख लिया, डायग्राम रीड करने सीख लिया, ब्लैक पेस्टेड में थोड़ा दिक्कत था वो भी सीख लिया। और कोई आना चाहे आपके छत्तीसगढ़ से, क्या बोलना? बिल्कुल आ सकते हैं सर, बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा हैंड स्किल है यहाँ से। छत्तीसगढ़ जो है नॉर्थ में पड़ता है, आपके आसपास बहुत सारे बड़े बड़े स्टेट्स हैं। जी जी जी। वहाँ नहीं गए आप, इतनी दूर आ गए? जी 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 सर, सागर सर का हैंड स्किल देख के आया जी, और आपका थ्योरी देख के आया सर मैं। तो जो देखे थे वैसी चाहिए कि बिल्कुल फेक बिल्कुल तो नहीं है? नहीं सर, फेक नहीं है। जो वीडियो देखे थे आज, आप खुद बैठ के बोल रहे जी, जी, कुछ वीडियो में फेक तो नहीं बना? नहीं नहीं सर, सारा कुछ लाइव देखे? सारा कुछ लाइव सर। बाकी कैसा रहा एक्सपीरियंस 20 दिन का? बहुत अच्छा रहा सर। जो सीखने आए थे मिला? बिल्कुल मिल गया सर, जो चाहा था उससे ज़्यादा मिल गया मेरे को सर। कब से काम कर रहे थे आप? मैं हो गया सर 5 साल से कर रहा था मैं। 5 साल से कर रहे थे जी। बहुत सारे ऐसे आपके जैसे बच्चे बैठ के हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं है। नहीं है। क्या बोलना चाहेंगे उनको? उनको नॉलेज नहीं है बट दुकान में बैठे, काम आ रहा है, वापस जा रहा है, ऐसे बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? आके बिल्कुल यहाँ सीख सकते हैं सर, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा भाई आप उतनी दूर से आए, बाकी अभी जो काम वापस जा रहा था कर लेंगे ना जाकर? जी सर। एक बार इनके लिए भी क्लास कर देंगे। थैंक यू। जय कृष्णा के लिए जोरदार क्लास। अमर ये ले लो, तुम बैठ जाओ पीछे वाला अंगूठी से, नहीं दिख रहा लो। क्या बोलना चाहेंगे, कहाँ से आप, क्या है? जी सर, मैं उड़ीसा पुरी से हूँ, मेरा नाम जयकृष्ण दास है। कहाँ उड़ीसा पुरी से? जी सर, उड़ीसा से काम कर रहे थे सर। मैं काफ़ी दिन से काम कर रहा था लेकिन मेरे को EMMC और
कनाडा वर्ल्ड रेकॉर्डशिप के बारे में कुछ नॉलेज था ही नहीं, और जो सोच के आया था तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मिल गया मेरे को, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत मतलब जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही मिला जी। और एक चीज़ है मेरे को, मतलब जितने सारे स्टाफ मिले थे यहाँ पे वो स्टाफ बहुत अच्छे हैं, और जो और बाकी जो मेरे बैच में जो बाकी जो सीखने आए थे, पता नहीं कौन सा बैच में कैसा है, लेकिन मेरे बैच में जैसा है बहुत अच्छे बंदे मिले थे मेरे को, बहुत खुशी मतलब बहुत मिला, मतलब सीखने का तो चीज़ मिलता है लेकिन बहुत सारे फ्रेंड भी मिले यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत खुश लग रहा है मेरे पे यहाँ पे। आगे जाके तो ग्रुप में साथ ही रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते रहना है। तो उड़ीसा से इतनी दूर आए, आपके आसपास भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे, दिल्ली वगैरह बड़े शहर नहीं गए, हैदराबाद आ गए इतनी दूर? नहीं सर, मैं तो देखा था यूट्यूब में बहुत सारे चैनल देखा था, लेकिन यहाँ का जो फन पिक्स हैदराबाद नाम के बहुत सुना था मैंने, मैंने खुद ही भी वीडियो देखा इसके बारे में, मतलब बहुत मतलब अच्छे सीखा था ना मैंने, बहुत काफ़ी लोगों से ही पूछा था, उन्होंने भी यही बताया ना फन पिक्स अच्छा है थोड़ा बहुत, तो मैं ठीक है चलो इसी को सिलेक्ट करके मैं भी आया था, बहुत अच्छा लगा था इसके। चलिए अभी जो काम वापस जा रहा था कर लेंगे जाके? जी सर बिल्कुल कर लूँगा मैं। उड़ीसा पुरी में रहते हैं आप? जी सर। उड़िया में थोड़ा बताओ, कोई आना चाहे तो? मोरा उड़ीसा चदी के आसवे को चाहूँ, तेल आसन तो बिंदास आसवे किसी असुविधा ना, भल जगह स्टाफ भी ये भल अच्छा, जो भावुँ कि हाँ ये जो गलापर मतलब साथी रही कि न प्रोब्लेम करा के मिलनी, तुम मानक बहुत सपोर्ट मिल, आसतु शिखिक जातु। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा आहिस्ता बात करते हैं। रिंकू राज भेरा के लिए जोरदार क्लैप। मेरा नाम रिंकू राज है, मैं उड़ीसा से हूँ। और बोल 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 सही बोल रहा है। पहले मैं पकड़ ठीक है। जितने मेरे को काम मालूम था इधर आके मैं कुछ सीखा है, थोड़ा भी ज़्यादा भी नॉलेज नहीं था, मैं दुकान किया था मैंने, बट मेरे को नॉलेज नहीं था, उधर आके थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है। मिला तो पूरा थ्योरी के एकदम एक नंबर होता है, प्रैक्टिकल भी एक नंबर होता है, इधर आके कुछ तो भी मैं सीखा है, ये खाली पकड़ भी नहीं आया, आके कुछ सीखा है। और मैं बोलना चाहूँगा कोई भी हमारा उड़ीसा से आने वाला है, बोलो बोलो बोलो, आराम से आ सकते हैं, थ्योरी अच्छा होता है, प्रैक्टिकल भी नंबर वन होता है, आराम से कुछ ना भी कुछ सीख के ही जाओगे। थैंक यू वेरी मच भाई, अच्छा बोला, थैंक यू। अरे ऐसा हंसो मत, बोलने वाला भी नर्वस हो जाता बेचारा, कम से कम अच्छी एनर्जी निकाल के आया हो। अच्छा ऐसा जज्बे से बोला है। दर्शील भाई आ जाओ, क्लैप करो, बोलना है कुछ हो गया, बैठ जाओ, हाँ फोटो ले, बड़ा देखो देखो आराम से कोई। तो मैं और फिरोज सर, सागर सर, तौफिक सर और उमर सर, सबको वेरी वेरी थैंक यू। एक्चुअली मैं गुजरात से हूँ, मेरा नाम दर्शील पटेल है, और मेरे को पहले आईसी का कुछ भी नॉलेज नहीं था और सॉफ्टवेयर का भी कुछ नॉलेज नहीं था, इधर आके मेरे को आईसी रिबोलिंग सभी पार्ट्स के बारे में पूरा तो मेरे को नॉलेज नहीं था, लेकिन इधर आके मेरे को बहुत सारा नॉलेज मिला। ऐसे रिबोल करना भी सीख लिया मैंने, ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, डबल लेकर का भी मेरे को अच्छे से पता चल गया है इधर आके। डीएसओ वगैरह भी बताया आपको, ठीक है, हाँ हाँ चेकिंग कर सकते हैं, हाँ चेक कर सकता हूँ। और डायोग्राम को मेरे को मैं पहले से एक साल से यूज़ कर रहा था, लेकिन ज़्यादा नॉलेज नहीं था डायोग्राम का भी, अब अच्छे से वो भी समझ में आ गया मेरे को। दुकान है आपका? हाँ मेरा चालू है, मैं 5 साल से चला रहा हूँ। तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको? मेरे को डेट फॉन्ट और आईसी के बारे में कुछ भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था, अब समझ में आ गया है सब, करना है क्या सारा। हाँ लाइव देखा यहाँ पर? हाँ लाइव देखा मैंने। तो गुजरात से इतनी दूर क्यों आया भाई? फोन फिक्स बहुत सारे गुजरात में भी इंस्टीट्यूट है, गुजरात में है, लेकिन इधर मेरे को अच्छा लगा, अच्छे से समझ में आ गया। आपका यूट्यूब पे पहले मैं वीडियो देखा तो उसमें मेरे को ज़्यादा समझ में आ गया, इजी तरीके से आप समझाते हो तो ज़्यादा समझ में आ गया मेरे को।
जो सोच के आए थे मिला आपको? हाँ, उससे बढ़कर मेरे को इधर सीखने को मिला। कोई आना चाहे आपके गुजरात से? गुजरात से जो भी गुजराती कोई पण આવવા માંગે છે તો અહીંયા ખૂબ સરસ છે શીખવાનું, તમારે બધા જ પ્રકારનું જાણવા અને વધારે મળશે, અને તમે બેફિકર અહીંયા આવી શકો છો અને તમે જે વિચારો છો એનાથી વધારે તમને જાણવા મળશે અહીંયા હાર્ડવેર સોફ્ટવેર જે કે તમે બધું જે તમે જાણવા માંગો છો બધું જ જાણવા મળશે અહીંયા। સારું છે ટ્રેનિંગ? હા ઠીક છે, ચલો એક વાર એને લઈ ક્લાસ કરો ભાઈ। થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ भारत भारत।